इंतजार कर रहे हैं। टाटा मोटर्स की इस रिपोर्ट को क्या आपने एनालाइज किया अपने अभिषेक? इसे हम कई बार डिस्कस भी करते हैं, निकुंज भी अपनी राय इस पर कई बार दे चुके हैं कि टाटा मोटर्स के लिए बड़ा चैलेंज जो है वो जेएलआर है, जेएलआर की स्लगिशनेस है। आप कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को, या आपका क्या व्यू बन रहा है टाटा मोटर्स पर? हो सकता है नियर टर्म टाटा मोटर में एक जो सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है आगे जाके, अभी जैसे जैसे डोमेस्टिक बिजनेस तो काफी अच्छा कर रहा है राइट नाउ, जो चैलेंज है वो जेएलआर का डेफिनेटली आपने जो बोला है राइट नाउ। बट मेरा यही व्यू है कि अगर आप टाटा मोटर को देखना चाहते हैं तो आप टाटा मोटर्स को इंडिया बिजनेस और ईवी बिजनेस अलग देखिए और ग्लोबल बिजनेस को अलग से देखिए। और ग्लोबल में मेरे को लगता है चाइना में रिकवरी ऐसा लग रहा है कि अगले 6 महीने चाइना में हो सकता है इससे बेहतर रहे जो पिछले 6 महीने और पिछले 9 महीने से रहे हैं राइट नाउ, बिकॉज कोविड का इम्पैक्ट वहां पे था। और जीएलआर बिजनेस डेफिनेटली आज की तारीख में बुक वैल्यू के हिसाब से राइट नाउ, बट इनका जो जेएलआर का रेवेन्यू है राइट नाउ, अब जेएलआर से ज्यादा मेरे को लगता है ईवी और इंडिया बिजनेस में जैसे जैसे चिप शॉर्टेज का इश्यू सॉर्ट हो रहा है वो इसमें आगे जाके काफी बेहतर रहेगा। और जेएलआर में भी अभी जो न्यू लॉन्चेस वगैरह है इनका जो चाइना का है राइट नाउ, लास्ट क्वार्टर के अगर हम नंबर देखेंगे तो 75,000 के करीब नंबर गाड़ियां बेची थी इन्होंने Q1 में। Q2 के नंबर्स मैंने देखे नहीं है, बट अभी इनका जो जेएलआर में भी प्रोडक्ट रैशनलाइजेशन हो रहा है और धीरे धीरे दे आर मूविंग टू हायर मार्जिन प्रोजेक्ट, तो आप शॉर्ट टर्म में हो सकता है चैलेंजेस हो बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हमारा व्यू जेएलआर पे भी पॉजिटिव ही है। और आगे जाके एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप जेएलआर की अगर आप टोटल ऑर्डर बुक देखेंगे तो ऑर्डर बुक राइट नाउ एज ऑन मंथ एंड लास्ट क्वार्टर मंथ एंड तक 2,05,000 थी, वो काफी अच्छी है। तो जेएलआर पे व्यू यही है कि आप शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को ना देखते हुए आप लॉन्ग टर्म व्यू बना के रखिए और उसको एड करके रखिए। इसमें मेरे को 473 नहीं, मेरे को इसमें काफी बड़े नंबर्स दिखते हैं जिस हिसाब से इन्होंने ईवी में किया है राइट नाउ। वो ईवी का बिजनेस को आप सेपरेटली वैल्यू करेंगे तो इसमें टाटा मोटर्स में बहुत बड़ी वैल्यू आगे जाके देखी जा सकती है। और प्लस द रॉ मटेरियल सप्लाई, दो इम्पोर्टेंट चीज, रॉ मटेरियल के चैलेंजेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव व्यू ये है कि आगे जाके ईवी चिप शॉर्टेज का जो इशू है वो आज कंपनीज बोल रही है राइट नाउ, अभी इन्होंने टाटा का टिगोर का नया वर्जन ईवी में भी निकल लिया है राइट नाउ, तो वो वॉल्यूम्स का काफी जाके उसको बेहतर रहेगा। टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे लास्ट नेक्सॉन लास्ट 2-3 महीने से लार्जेस्ट सेलिंग मॉडल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल कंपनी स्पेसिफिक, बट एज अ मॉडल वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग मॉडल है, तो वो भी एक पॉजिटिव ही है। और मेरे को लगता है पीवी बिजनेस में आपको टाटा मोटर में बने रहना चाहिए, और इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो इसमें DVR भी लेके रख सकते हैं जिसमें मेरे को लगता है आगे जाके डिस्काउंट कम होने की उम्मीद है। अभिषेक की सबसे बड़ा पॉइंट अंडर परफॉर्मेंस, स्टॉक 1.5-2 साल से 400-450 पे अटका हुआ है, ये देखिए 2020 से ये उसी रेंज में है 400-450, तो अब अगर ट्रिगर्स आएंगे तो यहाँ से चल सकता है।